ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। मेरे पास यहाँ पर जो है एक सेल दिया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट और ये है मेरा 0.5 ओम। ठीक है, नीचे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो सवाल यहां पर ये है जो रेजिस्टेंस का रेंज क्या होना चाहिए। जो एक सेल हमारा चार्ज होना चालू हो, जो सेल का ईएमएफ हमारा 110 वोल्ट है। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस वाले सर्किट को ये दोनों मिला के मैंने एक नया सेल बना लूंगा और वो नया सेल जो होगा वो सेल को मैंने ये वाले सेल से जो है वो कंपेयर करूंगा। लेट्स सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर मैं हाइपोथेटिकली एक 0 वोल्ट का बैटरी तो इस तरीके से लगा ही सकता हूं। तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0 ऑब्वियसली डिवाइडेड बाई 1 बाई 0.5 प्लस 1 बाई आर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 240। ये है हमारा 2, तो 240 आर डिवाइडेड बाई 2 आर प्लस 1, ये हमारे पास E इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हमारा R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट R इक्विवेलेंट विल बी सिंपली 2 प्लस 1 बाई आर इसका होल इनवर्स R बाई आर प्लस 2। ठीक है, सुनना है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें, हमारा जो नया सर्किट मैंने बना दिया हूं, मेरे पास दो बैटरी है इस तरीके से। ये वाला बैटरी का इंटरनल, नीचे वाले का मुझे मालूम नहीं है, ये 110 वोल्ट होना है और ये है मेरा 240 आर डिवाइडेड बाय 2 आर प्लस 1 का। ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट है, ये मेरे पास कुछ स्मॉल आर है। अब मेरी दिली चाहत ये है जो ये चीज का हमारा चार्जिंग हो, तो ये वाला चीज का अगर चार्जिंग होगा तो ये हमारा स्ट्रॉन्गर बैटरी होनी चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, जो मेरा 240 आर डिवाइडेड बाय 2 आर प्लस 1 है वो मेरा 110 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो यहां पर चार्जिंग होने का सवाल पैदा होता है। तो व्हाट आई कैन राइट इज 240 आर मस्ट बी ग्रेटर देन 220 आर बाई 110। तो 20 आर मस्ट बी ग्रेटर देन 110, यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा आर की वैल्यू होनी चाहिए दैट आर मस्ट बी ग्रेटर देन 5.5 ओम। तो कम से कम रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इतना होना चाहिए जिससे कि हमारा चार्जिंग होना संभव होगा, अदरवाइज किसी भी हालत पे इसका चार्जिंग नहीं हो सकता है। अदरवाइज एक चीज देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें 110 चाहिए, तो इस वाले के अक्रॉस ड्रॉप जो है वो हमारा 20 का होना चाहिए, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो हमारा 10 का होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप अगर 10 का होना चाहिए तो सर्किट पे करंट जो होना चाहिए, इसको भूल जाओ बीच वाले को, सर्किट पे जो टोटल करंट होना चाहिए वो डेफिनेटली हमारा 20 एम्पियर होना चाहिए। तो 20 एम्पियर अगर है, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है, तो सिंपल सी बात है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आना चाहिए था। 0.5 ये ऑलरेडी है, उसके साथ आर ये सीरीज पे है एंड दैट विल सिंपली मेक इट इक्वल्स टू 5.5 ओम। तो 5.5 ओम में 110 वोल्ट होगा, वहां पे तो चार्जिंग होनी चालू नहीं होगी, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा उसके लिए हमारा ये नीचे वाला सेल का जो है हमारा चार्जिंग होनी चालू हो जाएगी। ओके ओके दोस्तों, सर लेट्स लुक एट दिस सर्किट। ये वाले बैटरी का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वेरिएबल है, ये दोनों हमारा आइडियल सेल्स है। ठीक है, ये वाला बैटरी का जो हमारा वोल्टेज है दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 वोल्ट टू 20 ऑफ 8 वोल्ट,
फ्रॉम द टाइम 0 टू टी बिलोंगिंग टू 0 टू 14 सेकेंड। तो सवाल यह है, जो टोटल एनर्जी गेन बाय द बैटरी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 टू 10 सेकेंड कितना होगा, और दूसरा है जो 10 वोल्ट का बैटरी का चार्जिंग हमारा कब चालू होगी। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, एक चीज तो निश्चित है, ये वाला सर्किट को देखते, हम इक्वेशन को देखते हुए E मस्ट बी इक्वल्स टू 2t वोल्ट, ठीक है, E जो है वो हमारा 2t वोल्ट होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं उसी बात पे, उसी लॉजिक पे, यहां पर मैंने के 0 वोल्ट का बैटरी लगा लिया और ये वाले को और ये वाले को मैंने एक इक्विवेलेंट बैटरी पे कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा जो ई इक्विवेलेंट आएगा, मैंने नीचे का 1 ओम को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकता हूं, तो ई बाई 1 प्लस 0 बाई 2.5 बाई 1 बाई 1, सो दिस विल बी ई डिवाइडेड बाई 1.4 वोल्ट, ये हमारा इक्विवेलेंट होगा, और आर इक्विवेलेंट विल बी 1 प्लस 1.4 का इनवर्स, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू, दिस इज 7 बाई 5, तो 5 बाई 7 ओम, ठीक है। तो हमारे पास जो नया सर्किट आया है उस बात पे बहुत क्लियर कट है, ध्यान दो, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो हमारे पास एक, इसको 7 बाई 5 लिख दो, 5 ई बाई 7 और 5 बाई 7 ओम का बैटरी है और दूसरा एक 10 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 5 ओम है। अच्छा, सेकेंड पार्ट डायरेक्टली आ जाएगा इस तरीके से करने पर, ध्यान दो, फॉर चार्जिंग ऑफ 10 वोल्ट सेल, फॉर द चार्जिंग ऑफ 10 वोल्ट सेल, सिंपल सी बात है, जो हमारा 5e by 7 है, that must be greater than 10. E जो है वो मेरा है 2t, तो 10t by 7 greater than t, यानी t greater than 7 second. तो एग्जैक्ट 7 सेकेंड पे ना चार्जिंग होगी ना डिस्चार्जिंग होगी, उससे पहले डिस्चार्जिंग होगी एंड उसके बाद जो है उस सेल का चार्जिंग होनी चालू हो जाएगी। बाकी फर्स्ट पार्ट के लिए अगर करंट को हम इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, तो करंट आई जो हमारे पास इन जनरल आएगा 10 माइनस 10t बाई 7, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस Divided by 5 by 7 plus 5. So, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, that will be 70 minus 10t divided by 40, 7 by 4 minus t by 4. ये हमारे पास आ जाएगा कोई भी जनरल इंस्टेंट पे करंट। तो मेरे पास जो पावर आएगा P, that will be 10i, yani 70 by 4 minus 10t by 4, 35 by 2 minus 5t by 2, that is my power. So, simple si baat hai, hamara total energy gained agar mujhe nikalna hai E, energy E, that will be integral PDT from 0 to 10 second, yani 35 by 2 into 10 minus 5 by 2, integral TDT will be T square by 2,
यानी ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली 50. तो दैट विल बी 5 इंटू दिस माइनस 125. तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 50. तो इतना एनर्जी उसने सप्लाई किया, क्योंकि सप्लाई एनर्जी को मैं पॉजिटिव माना हूं, क्योंकि आई को तो मैंने ये वाला डायरेक्शन जो है वो मैंने यहां पर पॉजिटिव माना हूं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान दें, हम उस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाले का जो हमारा एनर्जी होगी इस वाले बैटरी का वो होगा हमारे पास 50 जूल. तो टोटल एनर्जी गेंड, टोटल एनर्जी गेंड विल बी इक्वल्स टू माइनस 50 जूल. ओके ओके दोस्तों, लुक एट दिस क्वेश्चन. यहां पर क्या बोला है, यहां पर हमारे पास एक रियोस्टेट है, बाकी सर्किट तुम देख सकते हो. ये बैटरीज हमारे आइडियल है और रेजिस्टेंस चारों के चारों हमारा 4 ओम के है. बैटरीज सारे हमारा 100 वोल्ट है, सेम टाइप के पोलैरिटी के साथ लगा हुआ है. तो रियोस्टेट के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके थ्रू जो करंट है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें निकालना है. बिफोर दैट लेट अस मेक द सर्किट अ बिट सिंपलर. हमें दो बैटरी को लेकर काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहां पर एक 0 वोल्ट का बैटरी को इंट्रोड्यूस कर दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा E1 इक्विवेलेंट, दैट विल बी 100/4. 0/4 में लिखने का नौटंकी नहीं कर रहा हूं, 1/4 प्लस 1/4. अगर हम ध्यान दें तो दिस विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 50 वोल्ट. और E2 इक्विवेलेंट वो तो हमारे पास सिंपली 100 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि सेम वोल्टेज का दोनों बैटरी है. और बाकी यहां पर हमारे पास R1 इक्विवेलेंट जो होगा वो भी 2 ओम होगा, और R2 इक्विवेलेंट जो होगा वो भी हमारा 2 ओम होगा. तो जो हमारा रियोस्टेट के अक्रॉस इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, नाउ ट्राई टू फिगर इट आउट. यहां पर मेरे पास एक 50 वोल्ट का बैटरी है, यहां पर मेरे पास एक 100 वोल्ट का बैटरी है लाइक दिस, और इसके अक्रॉस जो है दिस इज माई 2 ओम, दिस इज माई 2 ओम, एंड दिस इज द वेरिएबल आर. तो ऑब्वियस बात है जीतेगा हमारा 100 वोल्ट वाला. तो यहां पर है मेरा करंट I, तो I विल बी सिंपली 50 डिवाइडेड बाय 4 प्लस R. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सिंपली IR. तो V जो आएगा दैट विल बी 50R/4+R. सो दैट इज द रिलेशन. ठीक है, एंड वी जो है वो इन टर्म्स ऑफ आर जो है वो हमारे पास आ चुका है, एंड आई जो है वो भी हमारा इन टर्म्स ऑफ आर जो है वो हमारे पास आ चुका है. राइट, ओके दोस्तों, तो वी और आई हमारे पास इंडिविजुअली आ चुका है इन टर्म्स ऑफ आर. तो ऑब्वियस ही बात है हमें वी और आई में रिलेशन चाहिए. तो इसके लिए पहले एक सिंपली काम कर लेता हूं. जो V by I है वो तो डेफिनेटली मेरा R है, और ये R को उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो. 50 4 प्लस V/I, तो मेरे पास आ जाएगा 4I+V, दैट इज 50. तो V माइनस 50 that will be equals to 4i. So that is the relation between the two. Okay. In the case of zero resistance,
इन द केस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो होना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है सॉरी दिस विल बी 50 माइनस वी सॉरी हाँ या इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट जीरो रेजिस्टेंस तो सिंपल सी बात है यहां पर हमारा करंट जो आ जाएगा वो सिंपली हमारा 50 बाई 4 आ जाएगा एंड इन द केस ऑफ ओपन सर्किट यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करंट विल बी जीरो तो करंट अगर जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस वो जो दिखाएगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग आउट टू बी इक्वल्स टू 50 वोल्ट ओके ओके दोस्तों ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सर्किट है ये रेजिस्टेंसेस है 4R और हर बैटरी जो है इसका EMF V है और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R है अगर ये वाले एमीटर जो कि एक आइडियल एमीटर है उस पर रीडिंग आ रहा है हमारा I तो हमें V निकालना है इन टर्म्स ऑफ I एंड R सबसे पहले हम एमीटर को एक बार के लिए भूल जाते हैं ठीक है अब एमीटर को अगर हम भूल जाए तो फर्स्ट लेट्स फाइंड आर इक्विवेलेंट ठीक है कितना रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई हो रहा है वो आर इक्विवेलेंट एक बार निकालने का कोशिश करते हैं अरे आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीके के लिए हम थेवेनिन से जानते ही हैं जो हम कंप्लीटली वोल्टेज को डिसरिगार्ड कर देंगे और हमारे पास जो सर्किट बनेगा ये 4R है ये R है फिर ये 4R है ये R है so on and so forth इस तरीके से हमारा चलता रहेगा ठीक है और इस तरीके से अगर हमारा चलता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा ट्राई टू रियलाइज That will be 4R, 1 by R plus 1 by R equivalent का inverse. इसको पूरे को हटा दो एक R equivalent लगा दो ये सब तरीका तो हमारे बहुत पुराने हो चुके हैं तो हम डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं So that will be 4R, R equivalent into R, R equivalent plus R. So, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो क्या आएगा R इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस स्मॉल R इंटू आर इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल R इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस 4R स्क्वायर प्लस 4R इंटू आर इक्विवेलेंट ये हमारे पास करंट आ जाएगा सॉरी आर इक्विवेलेंट का रिलेशन आ जाएगा एंड यहां से अगर हम ध्यान दें इसको काट देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 4R इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस 4R स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जीरो तो मेरे पास क्या आ जाएगा R equivalent will be 4R. It cannot be negative. B square yani 16R square plus 16R square by 2. So that will be root over 32. So that will be 4 root 2. Yani that will be 2 into root 2 plus 1 into R. अच्छा अब हमारे पास यहां पे क्या निकालना है वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज निकालने के लिए या इफेक्टिव जो बैटरी है वो निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो हमारा किसी काम का नहीं है तो सारे बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं समाप्त करता हूं ट्राई टू रियलाइज सारे बैटरी जो है वो VVVV का होने के लिए जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा वो भी हमारा वी का ही आएगा यानी ये वाला सर्किट V इक्विवेलेंट जो होगा वो भी हमारा V ही होने वाला है
रेजिस्टेंस को एक बार के लिए भूल जाओ और सिर्फ बैटरीज को देखते हुए हमारा जो V इक्विवेलेंट आएगा वो भी हमारा सिंपली V ही आने वाला है। अदरवाइज तुम एक काम करो, तुम निकाल लो एक इनफाइनर सर्किट में जैसे करते हैं, ये सारे बैटरीज को आगे के सारे को भूल जाओ, ठीक है, बट उससे कुछ हासिल नहीं करोगे, तुम्हारे पास एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है, तुम V पे ही पहुंचने वाले हो। प्लीज कंफर्म योरसेल्फ इफ यू वांट, बट लॉजिकली भी हम बोल सकते हैं सारे बैटरीज हमारा सेम है, ठीक है, रेजिस्टेंस को भूलते हुए वो पैरेलल पे आएंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट बैटरी होगा वो भी हमारा V का ही बनने वाला है। सो द इफेक्टिव सर्किट इज दैट इज द एमीटर A, यहां पर हमारे पास लगा हुआ है एक V का आइडियल बैटरी। अच्छा अब ये आइडियल बैटरी है ध्यान देना, क्योंकि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां पे R इक्विवेलेंट पे ऑलरेडी ले चुका हूं और जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो अगर हमारा I है तो V हम सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 इंटू आई आर। सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ V जो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो विद दिस हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल यहां पर समाप्त करते हैं, ओके?